कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं हरा पुदीना, हरा धनिया और अनारदाने को मिक्स करके इसकी चटनी बना रहे हैं। ये धनिया जो है ये मैंने थोड़ा थोड़ा डंडी समेट लिया है, और पुदीना जो है हमने ऐसे ही लिया है, पत्ते तोड़े हैं उसके। और ये सिर्फ एक हरी मिर्च ली है, और ये थोड़ा सा अनारदाना जो लिया है जो मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। नमक मैं अभी शामिल नहीं कर रही, नमक में जो है वो मैं चटनी बनाने के बाद शामिल करूँगी। तो अब हम अपनी ये चटनी बनाते हैं और आपको बताते हैं। और ये एक छोटा सा टमाटर है, क्योंकि जितनी मैं चटनी बना रही मैं उस हिसाब से इसमें जो है टमाटर और प्याज उस हिसाब से मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर आप इससे बड़े वाला टमाटर ले लीजिएगा, प्याज भी इससे डबल कर लीजिएगा, मतलब बड़े वाला ले लीजिएगा, बड़ा प्याज जो आता है तो वो इस चटनी के लिए काफ़ी है। मैं थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ, उसमें अनारदाना शामिल था, इस वजह से मैंने पहले प्याज और टमाटर शामिल नहीं किया था। पहले मैंने पुदीना और धनिया, हरी मिर्च और अनारदाना शामिल करके उसको ब्लेंड कर लिया है। अब उसके बाद जो है मैं इसमें प्याज और ये एक टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये देखें हमारी चटनी तैयार है, अनारदाने की चटनी जो है हमने पुदीना और धनिया के साथ बनाई है। इसमें जो प्याज हमने एक छोटा सा शामिल किया है, मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई थी सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस तरीके से ये चटनी बनती है। एक टमाटर लहसुन की भी चटनी बनती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी। तो इसमें एक मिर्च मैंने डाली है, बिल्कुल बराबर है। आप कबाब के साथ, पकौड़ों के साथ, अपना जो इस तरह के कबाब, शामी कबाब हो या सीख कबाब हो या पकौड़े हों, जो भी मतलब इस तरह की अपना आप डिश बनाएं, तो उसके साथ ये पुदीने की और अनारदाने की जो चटनी है ये थोड़ी सी तीखी मतलब और थोड़ी सी मीठी होती है चटनी ये वाली। इमली की चटनी भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।